मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के बाद 10 मई को जारी पुनर्मतदान में दोपहर 12 बजे तक 45% से अधिक मतदान हो चुका है। प्रशासन को शाम 6 बजे तक 90% तक मतदान का भरोसा है। 3 दिन में दूसरी बार बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है। पुनर्मतदान में भी मतदाता उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। बता दें कि 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद रात मतदान दल को वापस ला रही बस में आग लग गई थी। बस हादसे में 4 ईवीएम मशीनें जल गई थी। मशीनों के नुकसान पहुंचने के बाद चुनाव आयोग ने चारों मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर यहां दोबारा मतदान कराया जा रहा है।